हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स ऑफ क्लास 11। इन द प्रीवियस क्लास 10th यू स्टडीड बेसिक फिजिक्स। In the section of physics, there are the two units in class 10th. One is electricity and second one is magnetism and some part of the light there. In this lecture, we are going to discuss the basic concept of physics in the class 11th. The first chapter of physics is role of physics and definition of physics, and second chapter is unit and measurement. In the first chapter, the definition of physics contained and the basic laws of physics are also there. First chapter mein physics ke डेफिनेशन है और बेसिक क्लास है। द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इन प्रीवियस क्लासेस, द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट। इन द 11th स्टैंडर्ड द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज सम स्पेशल वर्ड्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द नेचुरल or nature phenomena, or in other words, physics is the branch of science which contain the study of energy, matter and its mutual reaction. भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम एनर्जी और मैटर और उसका जो मैचुअल रिएक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। देर आर द मैनी इफेक्ट ऑफ फिजिक्स ऑन द सोसाइटी टुडे। इन विच वे वी आर स्टडीइंग अबाउट द मेथड इज द आल्सो इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज आल्सो गिवन बाय द physics. In this session, we are going to study about fundamental physical quantities and its unit. In physics, there are the several systems occupied by the several countries. अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कुछ सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। पहले ये समझ लीजिए कि देयर आर द थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास एंड थर्ड वन इज टाइम। देयर आर अ सिस्टम ऑक्युपाइड बाय द सम कंट्रीज दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। मीनिंग ऑफ सीजीएस सिस्टम इज इन द सीजीएस सिस्टम length is measured in centimeter and mass is measured in gram and time is measured in second. This CGS system is also called Gaussian system. This CGS system is also called Gaussian system. Second system is FPS system. In FPS system, length is measured in foot and mass is measured in pound and third one time is measured in second. This FPS system is called British system. ये European countries में use हुआ। This FPS system is called British system and third one is MK system. In MK system, length is measured in meter and mass is measured in kilogram and time is measured in
सेट। इस एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनली जब अडॉप्ट किया गया तो उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को और ऐड कर दिया गया। पहली आपकी लेंथ ही रही, दूसरी मास ही रही और तीसरी टाइम ही रही। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी एडेड हियर इलेक्ट्रिक करेंट एंड फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर एंड सिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पर कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं एसआई यूनिट्स में और उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज मास एंड इट्स यूनिट इज किलोग्राम एंड इट इज डिनोटेड बाय केजी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम एंड इट्स यूनिट इज सेकेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करेंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कैपिटल ए। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम से होती है उन यूनिट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में राइट किया जाता है, जैसे एम्पियर है, कैलोरी है, कैलोरी है, बट उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर में राइट किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल के। यहां पर सीबी जो है वो कैपिटल में राइट नहीं होता है, इसको आपको याद रखना। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। एंड नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के एंड इट्स यूनिट इज केल्विन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट्स SI unit is candela and it is denoted by small cd. Luminous intensity, the term luminous intensity is related to the energy which is in form of light. Next unit is amount of, next physical quantity is amount of substance. It unit is mole and it is denoted by mol. Amount of substance का broadly use आपके chemistry में। There are two supplementary units and supplementary physical quantities. First supplementary physical quantity is plane angle. Plane angle. Plane angle का मतलब है जैसे कि आपने कोई सर्कल लिया, सर्कल से कोई पार्ट कट कर दिया, ये जो यहां पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, दिस इज प्लेन एंगल। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर ए डी, स्मॉल आर ए डी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल, इसका मतलब है जैसे स्फीयर में अगर कोई कॉनिक स्ट्रक्चर कट कर दिया जाए इस तरीके से उसके सेंटर से, तो यहां पर जो ये इस एंगल का फॉर्मेशन होगा ये 3D एंगल होगा और ये वाला आपका 2D एंगल। दिस 3D एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल SR। देयर आर द टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हियर आल्सो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज लाइट ईयर। जनरली लोगों को जैसे ही लाइट ईयर की बात होती है तो ये वो ये समझते हैं कि लाइट ईयर मींस ये टाइम की यूनिट होगी, क्योंकि इसमें ईयर आता है लाइट ईयर। लेकिन ये है क्या, सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रेवल करती है वन ईयर में वैक्यूम में। लाइट ईयर, वन लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवलिंग by the light in a vacuum in one year. One light year is the distance
समझ लीजिए ये लाइट ईयर क्या है, वो डिस्टेंस की यूनिट है. वन लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वन ईयर इन वैक्यूम. वैक्यूम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं. एंड वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 ऑफ पावर 15 मीटर. वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 ऑफ पावर 15 मीटर. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जनरली हम स्केल से जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो स्केल जो सिंपल स्केल्स होती है उसमें जो डिवीजन होते हैं वो सेंटीमीटर्स होते हैं और सेंटीमीटर्स डिवाइड होते हैं मिलीमीटर्स से. तो जो उसमें मिनिमम मेजरिंग वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर. उस स्केल से हम सबसे सिंपल और सबसे क्लियरिफाई फॉर्म में अगर किसी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर. तो वो सिंपल स्केल की क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है. लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली. और इन अदर वर्ड्स यहां पर भी एक डेफिनेशन है, द लीस्ट काउंट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. वो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग. जो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबल होता है मेजर करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लीस्ट काउंट ऑफ अ सिंपल स्केल इज 1 मिलीमीटर. और इन अदर यू कैन से व्हेन यू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 10 देन दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर.